स्वतंत्रता सेनानियों सभी के साथ बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि 15 नवंबर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1875 15 नवंबर में उनका जन्म हुआ था, यानी आज ही के दिन, और 25 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि काफ़ी युवावस्था होती है। और उन्होंने जो ज़मीन होता है बिहार झारखंड में, उस पर बाहरी लोगों का कब्जा, निजी ज़मीन का बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलन को रोका था। ईसाई धर्म में जो परिवर्तन हो रहा था बहुत ज़्यादा आदिवासियों को, उस चीज़ को उन्होंने रोका था। उन्होंने खुद को ईश्वर का अवतार माना था, और बिरसा मुंडा जी ने समाज के बीच जाकर खुद को जो भी कुरीतियाँ पहले से चली आ रही थी उन सबको रोक कर एक नया परंपरा चलाया कि आप खुद अपने कार्य को करिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहिए। एक जागृति उन्होंने फैलाई थी, और बहुत बड़ा लेवल पे आंदोलन क्रिएट किया गया था, और इसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, और लास्टली हैजा के कारण जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका एक स्ट्रगल वाला ज़िंदगी था जो हम लोगों ने देखा है 25 साल की अवस्था में। आज मैं एक इशू पर बात करना चाहूँगी। मेरी भी उम्र 26 साल है। इसी स्टेज में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन क्रिएट कर दिया था। तो आज मैं बीपीएससी 64वीं की अभ्यर्थी रही हूँ, तो मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार को वेटिंग लिस्ट की प्रथा बीपीएससी के अंदर शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम युवा जो कि 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, 5 बार मेंस लिखी हूँ, कंटिन्यूसली 5 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, और जब वैकेंसी जो बार बार ला रही है सरकार, और फिर से वैकेंसी जो 500 सीट सीधा खाली चली जाती है, तो फिर वैकेंसी लाने का जो सरकार का ये उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सीटें तो वैकेंट रह जाती हैं। तो वेटिंग लिस्ट सरकार दे, अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोग में दिया जा रहा है, यहाँ भी देना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही हम सभी 64वीं के अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। आज बिरसा मुंडा के जयंती पर हम सभी उत्तराधिकारी शामिल हुए, और पुण्यतिथि पर हम सब उनका, जिस तरह से वो अपने जीवन काल में भारी कठिनाइयों में संघर्ष किया और किसी से भी डरे नहीं और सामना किया संघर्ष का, उसी तरह हम सब तमाम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी भाई बहन अपने जीवन काल में संघर्ष करें और उनसे प्रेरणा लें। उस उत्तराधिकारी क्रांतिकारी के लिए अभी जो भी मांग हो रहा है, ये हो रहा है, मैं उसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील हूँ। और इतना ही नहीं, अभी जो आज जो जयंती मनाई जा रही है बिरसा मुंडा के लिए, ये किताब में छप गई है, पहले से क्लास में चल रहा है, इस बात को कोई नहीं जान रहे हैं, यह क्लास में चला है, पहले बिरसा मुंडा का पुस्तक में है, इनका पढ़ाई हो रही है। और ये जो हैं, इनका एक ग्रुप था, एक गुरिल्ला युद्ध करते थे, इनका बहुत बड़ा दल था, या नहीं गया, या कलाई थे, बहुत दल था, और कहीं पर भी कैसा भी भीषण परिस्थिति में उनसे लोहा लेने के लिए अंग्रेजों से हर समय तैयार रहते थे। आज इस शुभ घड़ी में बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर उसकी घड़ी में मैंने जो आप लोगों के बीच जो उपस्थिति दिया है या कुछ कहने का मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि बिरसा मुंडा अनादिकाल से इनकी चर्चा हम लोगों के यहाँ है। ये झारखंड बिहार से आते थे और ये गरीबी में रह करके, गरीबी में पल करके इन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया वो सराहनीय रहा। ये लड़ते लड़ते अपनी प्राण की आहुति जेल के अंदर दे दी, लेकिन इनकी व्यथा, इनकी दशा, इनकी बात अभी तक पूरे देश में गूंज रहा है, जिसको हम लोग किताबों के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भविष्य में भी बच्चे पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस आज़ादी के शुभ घड़ी में ये जो बिरसा मुंडा जी का जो आह्वान हुआ, उसको हम पूरे भारत के पैमाने पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको जो है सुख्याति प्रदान हो, हमारे बच्चे इसको पढ़े, इनके 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 चलाए हुए कर्मों पर, इनके दिए हुए वचनों पर हम लोग सीख लें और उसका उद्देश्य को पूरा करें, यही हमारी इनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। बिरसा मुंडा महान योद्धा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन और गरीब और वंचितों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, शहादत भी दे दी, तो मैं तमाम बिहार और देशवासी को उसके पदचिन्हों पर चलने का अपील करता हूँ। साथ करके वो युवा अवस्था में ही
संघर्ष के लिए जो है एक अस्मरणीय अस्मरणीय जो है उसका जो है योगदान हम लोग भुला नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं तमाम देश के युवा और छात्र छात्राओं को भी कहते हैं कि उसके पद चिन्हों पर उनके व्यक्तित्व पर चलने की कोशिश करें। और मैं ये भी कहता हूं कि जो बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी, उन्हीं आज़ाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज पीएम और सीएम और डीएम है। लेकिन उन वो सत्ता सुख में भूल गए हैं कि जिस महान आत्माओं ने अपने देश के आज़ाद कराने में प्राण की आहुति दे दी ब्रिटिश से लोहा लेने में, आज उनकी जो है कई जो है आज देश में अशिक्षा का कारण रहने के कारण उनके बारे में लोग नहीं जान रहे हैं, उसको पाठ्यक्रम में जो है जोड़ा जाए कि आने वाले पीढ़ी जो है उनको पढ़े और जाने कि देश को किस तरह जो है गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया गया। इसको मैं आज बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में मैं सीएम पीएम और डीएम और यहाँ राष्ट्रपति महामहिम जी से अनुरोध करता हूँ कि अविलंब उसके जो है पुण्यतिथि कार्यक्रम के दिन जो है आज वो निर्णय ले और संकल्पित निर्णय ले कि उसको सभी भाषाओं के पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा की जो है व्यक्तित्व पर जो है जोड़ा जाए ताकि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी उनको पढ़े और उस पर पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ उस महान आत्मा को मैं हृदय से नमन करते हुए तमाम देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।